नमस्कार, मैं बिन्नी। तो 4 दिन का छठ अब शुरू हो गया है, छठ महापर्व। तो आज नहा खा है, तो आप सबको छठ के नहा खा का हार्दिक शुभकामना। तो अब हम स्नान ध्यान कर लिए हैं, जा रहे हैं थोड़ा पूजा पाठ कर लेने, जल देने, उसके बाद हम किचन के तरफ जाएंगे। तो आप लोग को बता दें कि इस बार फिर हम मायके में हैं छठ करने के लिए। तो मायके में आने का मतलब है कि यहाँ पर काम थोड़ा कम बेस रहता है, क्योंकि यहाँ पर पुतोह सब है, भतीज पुतोह, तो वो सब करती है, तो हम लोग थोड़ा बहुत उसमें हेल्प करते हैं। तो फिर हम चलते हैं, पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम किचन में चलते हैं, तो आप लोग से बात करते हैं। अब पूजा मेरा हो गया है, तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि मेरा खाना कौन बना रहा है। तो यहाँ पर है सोनी, सोनी यहाँ बना रही है, चावल रखाया हुआ है और इधर कद्दू है, कद्दू का सीटी दे रहा है। मामा नारियल काटते हुए और ये भी निपुआ चाय बनाते हुए दे दो बाबू फुआ जी को, आज तू भी खा लो। चलो आई झूठ क्या? ना झूठ नहीं है, ना हमको पीना, हमको खाना नहीं है। नहीं लगता बिल्कुल, हमको अच्छा नहीं लगता। अरे अच्छा लगता है, चम्मच ले चल रहे हैं। पानी किसमें निकाल लिया गया कटोरा में, क्योंकि उसी में दाल बना दिया जाएगा कि कुछ फायदा होता करता है। कद्दू का पानी जो है फेंकने पर बर्बाद हो जाएगा, उसको हम दाल डाल देंगे। तो यहाँ पर घी डाल करके, जीरा घी डाल कर, टमाटर के डायरेक्ट हम फोरन दे रहे हैं। तो उधर सोनी गई हुई है बाबू के पास, तो हम सब कुछ कर रहे हैं, तो डायरेक्ट हम फ्राई कर दे रहे हैं टमाटर और जीरा। आज हमारे यहाँ मूठ लगाना है, तो मूठ लगता है, तो मूठ में ये सारा चीज़ लगता है, यहाँ पर दिया वगैरह जलाया जाता है। तो आज मूठ लगाने के लिए बाबू को लेकर जाया जाएगा, बड़ा वाला आयुष्मान को, यहाँ इसमें कलसा रखाता है। अतः मूठ मूठ इसको कहा जाता है, जो कि खेत में सबसे पहले जो बोया जाता है वहाँ पर लगाया जाता है, 7 रंग के उसमें अनाज लगाया जाता है, और उसके बाद ही सब जगह बोया जाता है।
छठ के खाना तैयार हो गया है। छठ के नहा खा के खाना जो बनता है, तो जब तक हम लोग नहीं खाएंगे तब तक कोई खाना नहीं खा सकता है, तो इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग खा रहे हैं कि फिर दूसरे किसी को खाना मिले। तो मेरा छठ के नहा खा का वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं। तब तक थैंक यू।